आज हम बनाएंगे हैदराबाद का कबूली चना पुलाव, या फिर आप इसे कह सकते हैं हैदराबादी काबुली चना पुलाव। ये पुलाव इतना चटपटा बनकर रेडी होता है कि आपको इसको सर्व करने के लिए ना तो चटनी की जरूरत है और ना ही रायते की। तो ये चटपटा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप तेल। प्याज है, ये एक बड़ी साइज की प्याज है जिसे मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया है। इसे हम डालकर फ्राई कर लेंगे। इसका हमें बरिस्ता बनाना है। प्याज अच्छे गोल्डन कलर की हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब सारा तेल ड्रेन करके ये तली हुई प्याज को हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को बंद करके सारे मसाले अब डाल लेते हैं। 2 मीडियम साइज की टमाटर है, इसे पतले स्लाइसेस में काट कर डालेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 बड़े चम्मच भर कर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच डालना है कुटी हुई हरी मिर्च। 2 बड़े चम्मच डालेंगे कुटी हुई धनिया। धनिया को हमें कूट कर ही डालना है, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है ये पुलाव का। 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर। 1 चम्मच डालना है सौंफ का पाउडर। खड़े मसालों में लेंगे 2 काली बड़ी इलायची, 6 हरी इलायची। इलायची को हम ऊपर से खोलकर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से पुलाव में मिक्स हो जाए। 6 से 7 लौंग, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 ले लेते हैं स्टार फूल, 2 टुकड़ा है दालचीनी का, 2 से 3 लेना है तेज पत्ते। ये सारे खड़े मसाले डाल लेते हैं। 1 नींबू को पतले स्लाइसेस में काट कर डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। 4 से 5 डालेंगे सूखे आलू बुखारे। अब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले में बॉईल आने लगे हम इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। इस तरह से टमाटर तो सॉफ्ट हो जाएंगे, बाकी सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से रिलीज हो जाएगा। पुलाव को अगर आपको वेजिटेरियन बनाना है तो आप इस तरह के वेज क्यूब्स डाल सकते हैं या फिर इस तरह के चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो 2 चिकन क्यूब्स मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें चाइनीज सॉल्ट या अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। अब डालना है हमें 1/4 कप दही। दही को हमें फेंट कर डालना है। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम भून लेंगे, तेल सेपरेट हो जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। 250 ग्राम ये काबुली चना है जिसे मैंने नमक और पानी में बॉईल कर लिया है। अब मिक्स कर लेते हैं चने को सारे मसाले के साथ। पका लेते हैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। चावल मैंने लिया हुआ है 3 कप, करीब 600 ग्राम, इसलिए हम इसमें डालेंगे 1.5 गुना पानी, करीब 4.5 कप। साथ ही इसके हमें डालना है नमक। चिकन क्यूब्स हमने डाला हुआ है उसमें नमक होता है, आप यखनी को चेक कर लें, जितनी ज़रूरत है उतना नमक डाल लीजिए। पानी में जैसे ही हाई फ्लेम पर अच्छा सा बॉईल आ जाए हमें इसमें भिगोकर धोए हुए बासमती चावल डाल लेने हैं। फिर से हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम पर आप देखें कि जैसे ही चावलों में बॉईल आने लगे और पानी थोड़ा सूखने लगे, इस टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं फ्राई की हुई प्याज जो हमने रेडी करके रखी है। मुट्ठी भर कर डाल देंगे धनिया के पत्ते चॉप किए हुए। मुट्ठी भर डालेंगे पुदीने के पत्ते चॉप किए हुए। हरी मिर्च है 4 से 5 बिना स्लिट की हुई है, इसे डाल देंगे। इससे तीखापन नहीं आएगा पर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा पुलाव में। थोड़ा सा डालेंगे केवड़ा वाटर। घी डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच भरकर। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। ढककर अब इसे हमें पका लेना है 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। चावल जैसे ही दम पर अच्छी तरह से पक जाए ढक्कन को हम हटा लेंगे। बस अब हमें एक फाइनल मिक्स दे देना है पुलाव को। ये हमारा हैदराबादी कबूली पुलाव बनकर रेडी हो गया है। सर्व कर लीजिए ये चटपटा पुलाव सैलेड के साथ। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही मजेदार चटपटी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।